अयोध्या नगर निगम की पहली वर्षगांठ पर महापौर ने पेश की रिपोर्ट। नगर निगम का पूरा हुआ एक वर्ष पहले वर्षगांठ पर महापौर ऋषिकेश उपाध्याय ने पेश किया रिपोर्ट कार्ड। उन्होंने कहा कि एक वर्ष में बनवाई गई लगभग 100 सड़कें, रात्रिकालीन सफाई की भी हुई व्यवस्था, डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन की हुई व्यवस्था, पौराणिक मंदिरों में परमानेंट हुई सफाई की व्यवस्था, नालों की सफाई व्यवस्था भी सुनिश्चित। अयोध्या में आयोजित हुआ आर्ट फेस्टिवल, भूमिगत केबल करते हुए पूरे शहर में एलईडी लाइट की हुई व्यवस्था, साहबगंज नाला से लेकर फतेहगंज नाला का निर्माण व सड़क का निर्माण व जाम की समस्याओं से निजात दिलाना प्रस्तावित। इस मौके पर नगर आयुक्त आरएस गुप्ता, सांसद लल्लू सिंह, अयोध्या विधायक वेद प्रकाश गुप्ता, महानगर अध्यक्ष कमलेश श्रीवास्तव, जिला अध्यक्ष अवधेश पांडे समेत नगर निगम के सभी पार्षद व पार्टी के कार्यकर्ता व नगर निगम के अधिकारी व कर्मचारी शामिल है। जब से हम सांसद हुए लगातार हवाई अड्डा का कार्गो हवाई अड्डे के रूप में विकास की बात हमने लगातार की। और 22 जुलाई को उद्यान मंत्री ने माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र भी लिखा कि हम आप जमीन उपलब्ध कराए जिससे हवाई अड्डे का निर्माण हो, हमारे उजाला में निकला है। 27 जुलाई को उद्यान मंत्री ने जो मुख्यमंत्री को पत्र लिखा था उसकी कापी और हमने जो उनको मांग पत्र दिया था उसका जवाब उन्होंने दिया था। तब से लगातार प्रयास हो रहा है। माननीय उद्यान मंत्री ने कहा था कि मंदिर मॉडल हवाई अड्डा बनेगा। इस देश में जो भी बड़ी परियोजनाएं हैं, जहां भी स्वीकृत होती है, माननीय नरेंद्र मोदी जी की सहमति उनके राय के आधार पर ही, चूंकि इस हवाई अड्डे पर जो ओवर ब्रिज बन गया उसके कारण इस हवाई पट्टी पर छोटी जहाज भी उतरने में कठिनाई, क्योंकि जिस समय हम लोग मिलने गए थे आरडी के लोग मंत्री जी के और उन्होंने बात कर सोचा हवाई जहाज चलाने के लिए कुल 225 एकड़ जमीन की आवश्यकता है। तब से लगातार प्रयास चल रहा था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने दीपकोत्सव में उसकी घोषणा की है, उसका पैसा भी शीघ्र रिलीज होने वाला है और पैसा आने के बाद उसका शिलान्यास भी माननीय मुख्यमंत्री उद्यान मंत्री जी करेंगे, यह भरोसा। अब आरपीएल कहाँ से बोलते हैं, कहाँ से प्रेरित हैं, ये तो हम नहीं जानते, लेकिन हमारी सरकार ने घोषणा की है, उस पर पैसा देने जा रही है और हवाई अड्डा श्रीराम हवाई अड्डा बनकर के शीघ्र। अयोध्या जनपद में प्रयागराज में कुंभ से पहले प्रदेश सरकार प्रदेश के 5 जगहों पर वैचारिक कुंभ का आयोजन करने जा रही है, जिसमें 2 दिवसीय वैचारिक समरसा कुंभ भगवान राम की नगरी अयोध्या में आयोजित हो रहा है। यह वैचारिक समरसा कुंभ अवध विश्वविद्यालय के नवीन परिसर में आयोजित किया जा रहा है। इस समरसा कुंभ का कल 15 दिसम्बर को प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे उद्घाटन, जबकि इसका समापन केंद्रीय मंत्री थावर सिंह गहलोत करेंगे। आखिरी प्रयागराज के कुंभ के पहले यह वैचारिक समरसा कुंभ क्यों, और आइए जानते हैं इसके बारे में। भगवान श्री राम की नगरी में आयोजित होने वाले वैचारिक समरसा कुंभ को लेकर हलचल तेज हो गई है। कल 15 दिसंबर को इस समरसा कुंभ का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उद्घाटन करेंगे। अवध विश्वविद्यालय के नवीन परिसर में होने वाले समरसा कुंभ को लेकर पूरे परिसर को टेंट नगरी में तब्दील कर दिया गया है। इसके लिए 28 कॉटेज बनाए गए हैं, जिसमें देश के कोने कोने के विद्वान पहुंच रहे हैं। लगभग 3000 विद्वान समरसा कुंभ में शरीक हो रहे हैं। समरसा कुंभ में देश के संत महंत भी शामिल होंगे। चोरों ने लाखों के माल पर हाथ किया साफ। घटना बीती रात 12 दिसंबर की अयोध्या जनपद के थाना कैंट अंतर्गत ग्राम रामापुर पोस्ट मऊ यदवंशपुर की है, जहां चोरों ने केशवपति
पत्नी स्वर्गीय प्रदीप कुमार शर्मा के घर पर हुई। परिवार के सदस्य नीरज विश्वकर्मा ने बताया कि घटना रात के लगभग 11:30 बजे के आसपास की है। घर के पीछे से घुसे चोरों ने गोदरेज, अलमारी और बक्सों को ताला तोड़कर 73,000 रुपया नकद और सोने चांदी के लाखों के जेवर के साथ लगभग 4 लाख की FD भी उठा ले गए। घटना की जानकारी मिलते ही अंडर डायल मौके पर पहुंची, पर बहुत देर की मशक्कत के बाद भी चोरों का पता नहीं लग सका।